ये कतार 10 या 12 ई रिक्शाओं की नहीं बल्कि कुल गिनती में 150 ई रिक्शाओं की है, जो कि गाजियाबाद नगर निगम 2 साल पहले कचरा ढोने के मकसद से लाई थी। दरअसल नगर निगम के हिसाब से सकरी गलियों में कचरा उठाने के लिए बड़ी गाड़ियों को जाने में दिक्कत होती थी, इसलिए नगर निगम 150 ई रिक्शा लेकर आया। लेकिन इनसे कचरा तो उठाया नहीं गया बल्कि ये खुद कचरा बनती जा रही हैं। खरीदे गए 150 ई रिक्शाओं में से ज्यादातर कबाड़ हो गए हैं। इनमें से कुछ गाड़ियों की बैटरी खराब हो गई है तो कुछ के बैटरी चार्जिंग पॉइंट ही टूट चुके हैं। ये रिक्शा जो है कई बार 2-3 वर्ष पहले ये खरीदे गए थे, बैटरियों को लेके जो है पुरानी हो गई है बैटरियां, तो उनको बदलने का कार्य जो है किया जा रहा है। और जैसे कि आपने संख्या बताई, एक बहुत बड़ी संख्या जो है गाड़ियों की जो है नगर निगम के पास रहती है। अब देखिए इनसे काम हो रहा है या नहीं हो रहा ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ गाजियाबाद में कचरे की समस्या तो अभी भी पनप रही है।